हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और यह है क्लास नाइन्थ सोशल साइंस के लिए मिड टर्म एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई, डेमोक्रेसी बोले तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, नई नई अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको SST का सैंपल पेपर मिल जाएगा, जो भी आपका पेपर आने वाला है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा उस पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। MCQ आपके पास क्वेश्चंस हैं और पहला सवाल है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। तो पहला सवाल आपके लिए है, द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक शब्द के किस शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन आपके लिए चार हैं और चारों ऑप्शन के साथ आपको मैं आंसर भी साथ साथ में बताता रहूँगा, ताकि आपका टाइम कम लगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो है आपका क्या है, डेमोक्रेटिया, ठीक है, डेमोक्रेटिया बी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है आपके लिए, यस, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार में किस तरह की सरकार है, तो ये सेना शासन, वहाँ पर आर्मी रूल है। तीसरा प्रश्न आपके लिए, 1990 से पहले नेपाल में सरकार का मुखिया था, है ना, तो कौन था, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखो आप, फोर्थ प्रश्न है, हु लीड ए मिलिट्री कॉप इन पाकिस्तान इन 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया, तो ये थे आपके परवेज मुशर्रफ। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न आप पढ़ते जाइए, मैं आपको आंसर यहाँ पर डायरेक्ट बताता रहूँगा, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आप प्रश्न भी आराम से, बहुत सारे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बोथ बी एंड सी, तो बोले तो बी भी है और सी भी है, सॉरी ये सी है, सी और बी दोनों हैं आपके लिए। और अगला सवाल आपके लिए है, वन पर्सन वन वोट मींस, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट का क्या मतलब है। तो ये है आपका, एक व्यक्ति के पास एक वोट है और प्रत्येक वोट का मूल्य है, है ना। देखो भाई, एक ही वोट से जीत भी जाता आदमी और एक वोट से हारता भी है। चलिए अगला सवाल आपके लिए, हाउ मेनी मेम्बर्स आर इलेक्टेड टू नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर पूरे चीन, ठीक है, ऑल ओवर चाइना, है ना, चाइना, वही तो मैं चाइना है। तो पूरे चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के लिए कितने सदस्य थे, तो ये थे आपके 3000। चलिए प्रश्न पढ़िए और मैं आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर अब आंसर बताने वाला हूँ। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई जाती है। और अगला सवाल आपके लिए है, स्क्रीन पर साथ ही आंसर भी है, तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट्री पार्टी। चलिए दसवां सवाल है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, तो जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है वो किस पर आधारित होना चाहिए, तो ये आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कि बी बोले तो आपका है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चलिए अगला सवाल 11वां, जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कब और किससे मिली, तो ये रहा 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से। 12वां सवाल आपके लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ऑप्शन रहेगा आपका, जानू पीएफ रॉबर्ट मगावे। और अगला सवाल है, विच ऑफ दीज फीचर्स इज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक थिंग बेसिक राइट टू द सिटीजन, ठीक है। तो ये आपका उपरोक्त सभी है, यानी कि ए बी सी तीनों ही सिटीजन में आते हैं, आवश्यक है। और अगला देखो आपको, हाँ, 14वां सवाल आपका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के किस अंग की, तो जो भी न्याय व्यवस्था है ना वो न्यायपालिका के पास है। और अगला है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संवैधानिक कानून क्या है, तो वो है आपका संविधान में दिए गए प्रावधान। और 16वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आंसर रहेगा उसका,
यानी कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री को दंडित किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है 17वां और आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। लोकतंत्र की कमियां क्या है? और 18वां सवाल आपका ऑल ऑफ द अबव सेम है यहां पर। इनमें से किस मामले में लोकतंत्र पूर्ण समाधान प्रदान नहीं कर सकता? और अगला सवाल 19 का, और 19 का सवाल भी जो है वो उसके साथ ही आंसर भी है यानी कि 61। और अगला सवाल है 20वां, तो 20वां सवाल का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार से बेहतर है क्योंकि यह सरकार का एक अधिक जवाबदेह रूप है। और 21वां देखो, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिजिग्नेशन मेकिंग बिकॉज, तो डिजाइन किया गया इसे लोकतंत्र निर्णय लेने के लिए गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि निर्णय परामर्श और चर्चा द्वारा लिए जाते हैं। और उसके बाद जो है 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगर आंसर की बात करें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। द रूलर कैन बी चेंज यानी कि शासकों को बदला जा सकता है। 23वां सवाल है और आंसर भी आप देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला 24वां सवाल है, तो 24वां सवाल में आपको ग्राम सभा पे क्लिक करना है। विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो सबसे जो निचला तला भी इसे कहते हैं वह ग्राम सभा। तो ग्राम सभा चुनाव से स्टार्ट होते हैं, ग्राम सभा से। विच ऑफ दीज एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी, तो इनमें से पूर्ण लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो तीन ऑप्शन है आपके लिए, तीनों में से कोई भी नहीं है। 26वां देखो, राजनीति में भाग लेने वाले नागरिक करेक्ट आंसर है। 27 की बात करें तो आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपका आंसर रहेगा। और 28 में देखो, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये परफेक्ट डेमोक्रेसी कौन है? आपका इंडिया है। भारत में जो लोकतंत्र पूर्ण लोकतंत्र है तो भारत इसका आंसर रहेगा। और 29 की बात करें तो आपका ग्राम सभा आंसर है यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी निकाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। 30 की बात करें तो 30 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और 31 की बात करें तो द ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी आर ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त सभी, तीनों आपके आंसर करेक्ट है। और 22वीं की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए। और 33 आंसर आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। 34 की बात करें तो भी उपरोक्त सभी आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि लोकतंत्र की कुछ कमियां यहाँ पर दिखानी थी। और उसके बाद देखो 35 में आपके पास, चलिए विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ नॉर्मची, तो इसका आंसर रहेगा आपका राजनीति में भाग लेने वाले नागरिक। तो ये थे आपके पास डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट है, आप इनकी तैयारी के साथ चलिए। तो काफ़ी हद तक आपको इसमें से जो आंसर क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए, वीडियो में कुछ आपका सुझाव हो ऐसा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। धन्यवाद।